हर नई शुरुआत अपने सामर्थ्य को पहचानने का भी एक अवसर लाती है। जिन लक्ष्यों की पहले हम कल्पना भी नहीं करते थे, आज देश उनके लिए प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है, क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थंच साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। यानी जब हमें विद्या अर्जित करनी हो, कुछ नया सीखना हो, करना हो, तो हमें हर एक क्षण का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हमें धन अर्जन करना हो, यानी उन्नति प्रगति करनी हो, तो हर एक कण का यानी हर संसाधन का समुचित इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्षण के नष्ट होने से विद्या और ज्ञान चला जाता है और कण के नष्ट होने से धन और प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं। ये बात हम सब देशवासियों के लिए प्रेरणा है। हमें कितना कुछ सीखना है, नए नए इनोवेशंस करने हैं, नए नए लक्ष्य हासिल करने हैं। इसलिए हमें एक क्षण गंवाए बिना लगना होगा। हमें देश को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, इसलिए हमें अपने हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना होगा। ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी मंत्र है, क्योंकि हम जब अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे, उन्हें व्यर्थ नहीं होने देंगे, तभी तो हम लोकल की ताकत पहचानेंगे, तभी तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए आइए हम अपना संकल्प दोहराएं कि बड़ा सोचेंगे, बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। और हमारे सपने केवल हम तक ही सीमित नहीं होंगे। हमारे सपने ऐसे होंगे जिनसे हमारे समाज और देश का विकास जुड़ा हो, हमारी प्रगति से देश की प्रगति के रास्ते खुले। और इसके लिए हमें आज ही लगना होगा, बिना एक क्षण गवाए, बिना एक कण गवाए। मुझे पूरा भरोसा है, इसी संकल्प के साथ आने वाले साल में देश आगे बढ़ेगा और 2022 एक नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम पृष्ठ बनेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं।